1 दिसंबर को महाराष्ट्र विधान परिषद नागपुर विभागीय पदवीधर मतदार संघ के लिए चुनाव होने वाला है और इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार एडवोकेट अभिजीत वंजारी के प्रचारार्थ एक समीक्षा बैठक आयोजन हाल ही में चंद्रपुर में किया गया। आने वाले 1 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा के अंतर्गत नागपुर विभागीय पदवीधर मतदार संघ का चुनाव होने जा रहा है और इस बार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना तथा मित्र पक्ष के महाविकास आघाड़ी के रूप में एडवोकेट अभिजीत वंजारी मैदान में खड़े हैं। वहीं संदर्भ में पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक का आयोजन बीते दिनों एनडी होटल में किया गया है। इस मौके पर मंच पर राज्य के कैबिनेट तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, सांसद बाड़ू धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर, त्रिपुरा के जोगेंद्र कवाड़े, बमनराव तायवाड़े, निरीक्षक किशोर गजबी के साथ ज्येष्ठ नेताओं में मोरेश्वर टेम्बुडे, एडवोकेट बाबा साहब वासाड़े, प्रत्याशी एडवोकेट वंजारी के साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रकाश देवतले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, राजू कक्कड़, शिवसेना के जिला प्रमुख संदीप गिरे, नितिन मत्ते के साथ कांग्रेस के देवराव भांडेकर, पूर्व नगराध्यक्ष सुनता लोढ़िया आदि उपस्थित थे और इस दौरान सभी ने एक साथ इस चुनाव में अभिजीत वंजारी को चुनकर लाने की बात की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना मित्र पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी।